180.3 किलोमीटर और द फ्यूल वी हैव यूज्ड इज उतना खराब माइलेज आया है। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और सभी को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, कल जो है हम लोग दीघा आए थे और अभी दीघा से वापस जा रहे हैं और सोच रहा था कि जाते वक्त एक छोटा सा माइलेज टेस्टिंग कर लिया जाए इस पर। सो हाईवे पे अप्रॉक्स कितनी माइलेज निकाल के देती है अभी। वैसे हाईवे का माइलेज मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो में निकाला था, तो उसमें जो है मैंने रेडलाइनिंग किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। सो जो माइलेज उसमें निकल के आया था वो इसको उतना जस्टिफाई नहीं करता। सो हमने सोचा कि एक और माइलेज का वीडियो बनाते हैं, पर इस बार फ़र्क सिर्फ यही होगा कि हम लोग आज खेचातानी नहीं करेंगे, मतलब नो रेड लाइनिंग पे है ये वीडियो। जो एवरेज मतलब मैक्सिमम टाइम हम लोग जो है इसको इको पे रख के चलाने वाले हैं, और अगर खाली मिले तो भी हम लोग इसको 80 से ऊपर नहीं ले जाएंगे, विच इज़ द स्वीट स्पॉट ऑफ दिस मोटरसाइकिल एट क्रूजिंग। सो गाइस, वी आर एट पेट्रोल पंप राइट नाउ और अभी हम लोग इसको फुल टैंक करवाएंगे। फुल कर दो। बस। सो गाइस, हमने टैंक करा लिया है फुल और ट्रिप टू को कर दिया है फिर से जीरो। जीरो हो जा भाई, हो गया। हम लोग जो आज क्या करेंगे, आज इसको मतलब एकदम इको में रख के चलाएंगे, एकदम रेड लाइनिंग नहीं कुछ नहीं, एकदम खाली हाईवे है, सुबह का टाइम है, कोई जैम वैम नहीं मिलेगा। हम लोग जो है इससे बेस्ट माइलेज निकालने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना निकल के आता है हाईवे पे। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी ऑल अबाउट द हाईवे माइलेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल, और अगर आप इसको अच्छे से चलाएंगे तो कितनी आपको निकाल के देती है, लेट्स सी। वैसे ऐसे रास्ते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, बट एनी वे इसको भगाएंगे नहीं आज हम, क्योंकि स्लो रेविंग मोटरसाइकिल है, आज एकदम मज़े से क्रूज करते करते जाएंगे। और क्योंकि अभी वेदर एकदम मस्त झकास हो गया है और रास्ते एकदम बढ़िया है, तो हम लोग अभी यहाँ पे गाना बजाने वाले हैं, बॉक्स लेके आए हैं, और वो आपको नहीं सुना सकते वरना कॉपीराइट पड़ जाएगा। तो आप सफ़र के मज़े लीजिए और बने रहिए एंड तक। का आवाज सुनिए बस, मतलब मेरे को लगा ना कोई सुपर बाइक आ रही है, पर जब ये सामने आई
अजब आवाज़ लगा के रखा है इसमें। सो गाइस ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर डन और हम लोग अभी सिटी में घुस रहे हैं। ये जो कॉर्नर है सेक्सी सा, ये बाली में एंटर करते वक्त आता है। और 170 किलोमीटर में 3 बार्स डाउन, आई डोंट थिंक कि उतना ख़राब माइलेज आया है जितना मतलब लास्ट कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा। खैर माइलेज जो है वो राइडिंग स्टाइल पे बहुत डिपेंड करती है। अगर आप शराफत से चलाओगे तो फिर अच्छी खासी निकल जाती है इसमें। और हम तो यार बिल्कुल शरीफ नहीं, और टू बी ऑनेस्ट आज का वीडियो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेक्टिक रहा, क्योंकि यार लिटरली नींद आ रहा था। मतलब 5 घंटा लग गया कल जाने में, शायद से हम लोग दीघा 3 घंटा या 4 घंटा में एंटर कर गए थे। सो ये बस आपके लिए एक दिन थोड़ा तकलीफ उठा लिया, लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल पसंद नहीं मुझे ऐसे सोते सोते गाड़ी चलाना। सो गाइस हम लोग सिटी में ऑलमोस्ट घुस रहे हैं और अभी सामने बाली ब्रिज आएगा, फिर उसके बाद दक्षिणेश्वर, फिर दक्षिणेश्वर से सामने पेट्रोल पंप, वहाँ पे हम लोग पेट्रोल भरवाएंगे। खैर बाली ब्रिज में जाम नहीं है, होप सो। सो दक्षिणेश्वर सिग्नल के सामने भी जैम नहीं मिला हमें। सो आई होप कि रिजल्ट जो है प्रॉपर आएगा। बस एक इशू है कि सिग्नल बंद है। दैट्स ओके, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं। सो गाइस हम लोग आ गए पेट्रोल पंप में और अभी देखते हैं कितनी तेल पी है इसने। फुल कर दो। सो गाइस 4.24 लीटर। सो गाइस अपने ट्रिप टू का जो रीडिंग आया दैट इज 180.3 किलोमीटर और द फ्यूल वी हैव यूज्ड इज 4.24 लीटर्स। सो द माइलेज इज 42.52, यानी कि अराउंड 42-43 ऐसा ही पकड़ लीजिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है गाइस कि अगर आप लोग इसको शरीफों जैसे चलाओगे तो फिर 40 के ऊपर आपको माइलेज मिल जाएगी। पिछले बार भी मेरे को याद है जब मैंने एक बार टेस्ट किया था ऐसे ही बिना रेड लाइन किए खाली हाईवे में, तब 43 के आसपास निकली थी, 43 के ऊपर ही निकली थी। और उस वक्त जो है मैंने फर्स्ट सर्विसिंग जस्ट कराई थी तो इंजन ऑयल वगैरह सब नया था एकदम। तो बाद देख लेता, फ़ोन वोन सब लिया ले लिया। सो लेट्स गो। सो गाइस दैट्स ऑल। आई होप कि आपको अप्रॉक्स आइडिया लग गया होगा कि आपको हाईवे में कैसी माइलेज देने वाली है। लाइक पिछली वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी हाईवे माइलेज के ऊपर, दैट वॉज ऑन रेड लाइनिंग, 30 से भी कम का मेरे को माइलेज मिला था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला देखिए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, हैंडल नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। खैर तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ। सिग्नल ग्रीन होते ही मैं आपको बाय बोलने वाला हूँ, सभी देखने का कुछ नहीं है। और सिग्नल ग्रीन है तो हम चले घर, आप भी रहिए अपने घर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।